दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश जो भारत के अधिक आबादी वाला राज्य है। ये राज्य न सिर्फ अपने इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अब आगे बढ़कर विकास के नए पहलुओं को भी देख रहा है। यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स एक नए ऊर्जा और उम्मीद का प्रतीक है जो राज्य को एक नए प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा है। यूपी सरकार का लक्ष्य है यूपी के जीडीपी को 2027 तक 1 ट्रिलियन बनाना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूपी गवर्नमेंट लगातार काम कर रहे हैं। छोटे बड़े बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क जारी है और आज हम इस वीडियो पर यूपी के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो यूपी के तस्वीर को बदल कर रख देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो यूपी के इन जुड़वा शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना का विकास 4,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इसको भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत बनाया जा रहा है जो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ में शहीद पथ को कानपुर के गंगा ब्रिज के पास आज़ाद चौराहे से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 2 पैकेजों में विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे में 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रूट और 45 किलोमीटर का नया सेक्शन शामिल होगा जो अविकसित भूमि पर बनाया जाएगा। एक बार ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय सिर्फ 45 मिनट्स रह जाएंगे। नंबर 9 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तीव्र गति से काम किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। इन सभी स्टेशन को विश्व स्तरीय स्तर का बनाया जाएगा जहां पर रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम, एग्जिट एंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं, पार्किंग, कैफेटेरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आदि प्रोवाइड की जाएगी। स्टेशन की बिल्डिंग स्थानीय कला से प्रेरित होगी। यूपी में पुनर्विकास होने जा रहे ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाएं तो प्रदान करवाएगी ही, साथ ही राज्य को आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगी। नंबर 8 पर आता है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जिसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसमें नए अलाइनमेंट के साथ 6 लेन एक्सप्रेसवे का विकास शामिल है। एक्सप्रेसवे लगभग 610 किलोमीटर तक फैला होगा और इसकी अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया सिविल निर्माण के लिए और अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण के लिए ऑप्ट इन किए गए हैं। एक्सप्रेसवे बन जाने से ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस होगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक फैला होगा। इस परियोजना का उद्देश्य हाईवे कनेक्शन में सुधार करना और वाराणसी, रांची और कोलकाता के बीच व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना। नंबर 7 पर आता है इंस्टेंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, ये फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से कोलकाता तक बनने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यूपी को होने वाले हैं। इस कॉरिडोर में सिर्फ मालगाड़ियाँ ही दौड़ सकते हैं, लेकिन मालगाड़ी दौड़ना ही इसका असली मकसद नहीं है। इस रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप्ड की जाएगी। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होगा क्योंकि इस रास्ते का सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 57% का हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। इसमें 5% इक्विटी यूपी गवर्नमेंट की होगी। इसके आसपास 2 नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन भी बनाया जा रहा है। इससे यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज के बनने वाले गुड्स का ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा। नंबर 6 पर आता है आगरा मेट्रो। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक है जिसका निर्माण अभी भी चल रही है। ये एक बड़ी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें कुल 29.65 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर पर 29 मेट्रो स्टेशन है। पहला कॉरिडोर सिकंदर से ताज ईस्ट गेट तक होगा जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर होगा। दूसरा कॉरिडोर आगरा कंठ से कालिंदी विहार तक 15.4 किलोमीटर लंबा होगा।
इस प्रोजेक्ट के लिए 8,379 करोड़ रुपीस खर्च की जाएगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट से लोगों को फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे यहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट होगी। नंबर 5 पर आता है हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप। DMIC द्वारा बनाए जाने वाले हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन जाने से ये IIZ यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। इसके अलावा UPSIDC भी इस टाउनशिप को बनाने में हेल्प करेगी। ये टाउनशिप लगभग 2800 एकड़ में फैली होगी, जिसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट का लगभग 15% हिस्सा यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इस टाउनशिप को यूपी में बुलंदशहर में डेवलप्ड किया जा रहा है। इसमें यूपी गवर्नमेंट 51% और बाकी DMICDCL द्वारा फंडिंग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की स्टेटस की बात की जाए तो दोस्तों अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रही है। नंबर 4 पर आता है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद भारत की दूसरी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। इसे दिल्ली NCR और वाराणसी का सफर अब और बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट की लेंथ लगभग 958 किलोमीटर है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे, जबकि 12 स्टेशन यूपी में होंगे और एक स्टेशन दिल्ली में अंडरग्राउंड होगा। ये ट्रेन दिल्ली के सरायकाले खास से स्टार्ट होकर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोदही होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,71,000 करोड़ रुपया है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी, जबकि ट्रैक पर ये 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। नंबर 3 पर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए 37,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, जिसे UPEIDA बना रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। इसका काम तेजी से चल रही है, जल्द ही इसको ओपन कर लिया जाएगा। इसके स्टार्ट होने से न केवल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा, बल्कि न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी ओपन होगा। यूपी में इससे गुड्स की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाएगी। साथ ही दोस्तों गंगा पर आने वाले रेगुलर फ्लड्स को भी कंट्रोल करने में ये एक्सप्रेसवे हेल्प करेंगे। नंबर 2 पर आता है दिल्ली मेरठ RRTS। दोस्तों ये देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच हो रहे हैं। 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 25 स्टेशन होंगे, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को आपस में तीव्र गति से जोड़ेगा। इसका कुछ खंड पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया है। ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ट्रैवल टाइम को काफ़ी रिड्यूस करेगा। ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। ये ट्रेन काफ़ी मॉडर्न और स्टाइलिश होंगे, जो पूरी तरह से एलिवेटेड ट्रैक्स के ऊपर से चलेंगे। स्टेशन को एयरपोर्ट जैसे हाईटेक बनाने जा रहे हैं और प्रीमियम फैसिलिटीज़ भी यहां अवेलेबल होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। नंबर 1 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट यूपी में गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जेवर के पास बनाया जा रहा है, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एक बार ये कंप्लीट हो जाने से ये दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बढ़ते लोड को कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इस एयरपोर्ट को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप्ड किया जा रहा है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ज्यूरिच एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है और ये कंपनी इस एयरपोर्ट को 40 साल तक ऑपरेट भी करेगी। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवे का निर्माण करना है और फ्यूचर में इसे 7,200 एकड़ में 8 रनवे वाला एयरपोर्ट में एक्सपेंड करना है। ये एयरपोर्ट स्टार्टिंग में हर साल 1 से 2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगी और फ्यूचर में एक्सपेंड होने के बाद ये हर साल 6 से 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगी।
इस एयरपोर्ट के साथ ये यूपी का पांचवा एयरपोर्ट होगा और यूपी देश का सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर